नमस्कार। आज हम पल पल के दर्शकों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश मेहता जी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान आरंभ कर रखा है सिरसा शहर में और सिरसा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में। आज हम उनसे जानेंगे कांग्रेस के इस विशेष अभियान के बारे में। भूपेश जी, कांग्रेस की ओर से आपने एक विशेष अभियान आरंभ किया है, वो क्या है और उसका मकसद क्या है? ऐसा जी, हमारा मकसद ये है कि कांग्रेस का जो प्रचार करना, क्योंकि हम कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन लोग जो है बीजेपी के कार्यशैली से प्रसन्न नहीं है। तो लोग, जैसे कि अनाज मंडी में मेरा कार्यालय है, लोग मेरे पास वहाँ आते थे कोई शिकायतें लेकर, अपनी समस्याएं लेकर। तो मैंने सोचा कि 20-30 लोग आए, उनको तकलीफ़ होती है, क्यों ना मैं उनके पास जाकर इस तरीके से उनसे मिलूं। तो मैंने इस कड़ी में जनता के द्वार एक कार्यक्रम की शुरुआत की। अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉलोनियों में जाके वहाँ मैं जनता से मिलता हूँ। तो लोगों को आज तक ये नहीं पता कि हमने पानी की एप्लीकेशन कहाँ लगानी है, बिजली की कहाँ लगानी है, सीवर की कहाँ लगानी है, किस अधिकारी से मिलें। तो मैं उन लोगों के बीच में जाके पहले तो उनकी समस्याएं सुनता हूँ कि आपकी समस्या क्या है, फिर उनकी समस्या सुनकर मैं संबंधित अधिकारियों को वहीं से, अगर अधिकारी मुझे कहता है कि इनकी तरफ से एप्लीकेशन लाओ, तो मैं एप्लीकेशन लिखवा के खुद मेरे जो निजी सचिव हैं उनको भेजता हूँ, उनसे एप्लीकेशन लेके वो संबंधित अधिकारी के पास एप्लीकेशन पहुँचाता है, उसके बाद फिर वो कार्यवाही शुरू। कितने दिन से ये आपने ये शुरू किया? मैंने अभी 8-10 दिन से ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्या रिस्पांस है आपका? बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग मेरी बातों को, लोग ये कहते हैं कि आज तक हमारे बीच में ऐसा कोई नेता नहीं आया जिन्होंने हमारी समस्या सुनी है। लेकिन एक चीज देखने को आई है भूपेश जी, कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस में जैसे अगर सिरसा में भी मान लिया जाए तो उषारी लाल जी अपना अलग कंपेन चलाए हुए हैं, नवीन केडिया भी कहीं दिखाई देते हैं, आप अलग चलाए हुए हैं। ऐसे में क्या एकजुटता से अगर कांग्रेस कंपेन चलाए तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा? सबका अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग फील्ड हैं, सब ने अलग अलग तरीके से कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, मतलब तो लोगों की समस्या सुलझाने से है। कोई नेता अलग एरिया में जा रहा है, कोई नेता अलग एरिया में जा रहा है, मैं अलग एरिया में जा रहा हूँ, मतलब तो हम लोगों तक पहुँचने से है, लोगों की समस्या को सुने और समस्या का हल सुलझाएं। जैसा आप देख रहे हो, विपक्षी दूसरा विपक्षी दल इनेलो है, इनेलो ने बड़े स्तर पे, पूरे प्रदेश स्तर पे एक आंदोलन चलाया हुआ है। अब इनेलो ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया और सिरसा में भी उसके इनेलो के हजारों कार्यकर्ता जुड़े। तो कहीं ऐसा नहीं लगता भी आपने भी इनेलो को देखते हुए भी, कांग्रेस पिछड़ रही थी, कांग्रेस चुप करके बैठी थी, कांग्रेस पे अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो वो जनता के बीच में नहीं जाती, जबकि इनेलो जनता के बीच में रहती है, इनेलो का ये कहना भी है और दिखाई भी देता है। कांग्रेस जब सत्ता में थी जब भी हम जनता के बीच में जाते थे, और जब सत्ता से बाहर है तब भी हम जनता के बीच में जाते हैं। हमने कोई इनेलो को देख के हमने अपना प्रचार शुरू नहीं किया। मैं तो राजनीति में वैसे भी सेवा के माध्यम से आया हूँ कि जब सरकार थी तब भी मैंने सेवा की, और अब सरकार नहीं है तब भी मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि जनता की दुख तकलीफ़ों को सुनकर सरकार के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से उसका हल निकाला जाए। क्या पॉसिबिलिटी है आपकी? जैसे हम तंवर साहब ने एक कार्यक्रम किया, साइकिल यात्रा का समापन सिरसा में किया, तो उनके मंच पे कोई भी MLA नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई कार्यक्रम करता है तो ऐसे गुटों में बटी कांग्रेस किस प्रकार इनेलो का संगठन मजबूत है और भाजपा सरकार से मुकाबला कर पाएगी? क्या आपकी पॉसिबिलिटी क्या है? भाजपा भी अलग अलग तरीके से, यहाँ भाजपा के जो लीडर हैं वो भी सब अलग अलग अपना काम करते हैं। एक मंच पे तो आज तक कोई भी भाजपा का नेता भी दिखाई नहीं दिया, वो सब ने अपने अपने हल्के बांट रखे हैं, सबका मत भेद है लेकिन मन भेद नहीं है। अब हुड्डा जी रथ के माध्यम से अपना प्रचार कर रहे हैं, अशोक तंवर जी साइकिल यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी अलग अलग हल्के में रैलियां करके अपना प्रचार कर रहे हैं, मतलब तो कांग्रेस का प्रचार हो रहा है सब अलग अलग सबके। ऐसे में क्या मानते हो कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करेगी, कांग्रेस सत्ता में वापसी आएगी, आपका क्या मानना है? कांग्रेस निश्चित तौर पर सत्ता में वापसी आएगी, क्योंकि लोग जो है भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुके हैं,
लोग ये नहीं देखेंगे कि इनमें मतभेद है या मनभेद है या कुछ है, लोग ये सोचे कि भाजपा से परेशान है कांग्रेस को वोट दो, लोग ये नहीं देखेंगे कि इसमें कोई गुटबाजी है या कोई किसी विशेष नेता के को वोट देगी, लोग सिर्फ कांग्रेस को वोट देगी। ये तो मुकेश जी समय बताएगा, लेकिन अंत में पल पल के दर्शकों को कांग्रेस की ओर से आप 10 सेकंड में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहुत इच्छा है कि अगर मुझे टिकट मिलती है सिरसा विधानसभा से, तो मैं सिरसा को जो है एक बहुत बढ़िया पेरिस की तरह बना दूँ, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर बहुत पैसा होता है, लेकिन सिरसा की बदनसीबी है कि यहाँ काफ़ी सालों से ऐसा कोई विधायक नहीं आया जो सिरसा से, जो चंडीगढ़ से पैसा लेकर सिरसा के लिए लाए और सिरसा का विकास करे। मेरी दिल की इच्छा है, आप सबका पत्रकार साथियों का सहयोग चाहिए कि मुझे विधायक बनाओ और मैं चंडीगढ़ से पैसा लेकर आऊँ और सिरसा के विकास में खर्च करूँ। ऐसे भूपेश जी ने अपनी दिली इच्छा ये जाहिर की, वो विधायक बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा में सबसे पहला काम कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें उम्मीदवार बनाएगी और फिर सिरसा की जनता के बीच में जाएंगे। हम ये शुभकामनाएं देते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो और वो सिरसा को पेरिस बनाएं। बहुत नेता आए सिरसा को पेरिस बनाने वाले, शायद युवा नेता भूपेश जी अपनी ये इच्छा पूरी करें, ये समय बताएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।